हे एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ पालमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने ससुराल से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। और फिर दिन में शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह हम लोग पहुँचे थे और इतना टायर्ड थे ना, तो थोड़ा रेस्ट किया, इसलिए दिन में शूट नहीं किया। तो अभी शाम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं थोड़ा निकल रही हूँ मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ। तो कुछ करने जा रही हूँ, जिसका क्या कर रही हूँ आपको थोड़ी देर में ब्लॉग में पता चलेगा। तो इसलिए हम दोनों निकल रहे हैं। तो मैं घर वालों से बाद में आप लोगों से मिलाऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको मेरे सिस्टर इन लॉ से मिला देती हूँ। हाय। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, इसका नाम है मृयंका। तो ये और मैं अभी निकल रहे हैं, हम दोनों कुछ करेंगे और उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे। और मैं थोड़ा अपना मेकओवर करने जा रही हूँ, तो जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, होप सो अच्छा लगे। तो आपको मतलब थोड़ी देर में पता चलेगा मैंने क्या किया है। तो चलिए निकलते हैं और उसके बाद जो भी करूँगी आपके साथ तो शेयर ज़रूर ही करूँगी। अभी पार्लर में आई हूँ हेयर कट करवाने के लिए। ये रहे मेरे लंबे लंबे बाल, जिसको अभी मैं कट करूंगी। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लुक्स आता है। मेरा हेयर कट फाइनली हो गया। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने हेयर को बहुत छोटा किया है क्योंकि लंबे हेयर मुझसे मेंटेन नहीं होता। अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे। हम लोग आए हैं मॉल घूमने के लिए और थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पियेंगे, दोनों मस्ती मारेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो चलिए, और उनका नया लुक देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए। होप सो अच्छा लग रहा है, बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही हूँ मैं। प्रॉपर क्लिप आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है चॉकलेट ब्राउनी और कॉफ़ी, और बहुत ही टेस्टी था ये। मैंने कॉफ़ी लिया था और मृयंका ने लिया चॉकलेट ब्राउनी अपने लिए। तो अभी हम लोग कॉफ़ी शॉप में आए हैं और कॉफ़ी लिया है। और ये क्या है? ब्राउनी विद डार्क चॉकलेट सोया। सो इन लोगों को ये बहुत पसंद है तो इन लोगों ने ये लिया है। और ये है मृदुल, ये मृयंका की फ्रेंड है। तो अभी हम तीनों बैठ के थोड़ा मतलब चप्पे चप्पे मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैं किचन में आई हूँ कुछ स्पेशल खाना बनाने के लिए। लास्ट नाइट मैंने और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था।
अभी आ गई हूँ मैं किचन में और कुछ स्पेशल बनाऊंगी आज। हिलशा फिश आया है तो हिलशा फिश का एक कड़ी बनाऊंगी। फिर यहाँ पे और एक फिश है, इसको टेंगरा बोलते हैं, इसका भी एक बनाऊंगी मैं कड़ी बैंगन डाल के। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं ही बनाऊँ, मतलब इन लोगों को तो मैं खिला नहीं पाती हूँ, वहाँ पे अकेले बनाती हूँ, तो इसलिए अभी बना रही हूँ। मैं यहाँ पे टेंगरा फिश की कड़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने फिश को सबसे पहले हल्दी नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है और अभी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिया है और अभी प्याज को हल्का सा भून लूँगी मैं, हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसमें बैंगन डाल दूँगी, आलू मैंने लंबा लंबा करके काट करके डाला है और दो तीन हरी मिर्च मैंने बीच में से चीरा लगा के डाल दिया है। तो अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी और डालूँगी जीरा पाउडर थोड़ा सा और धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, मतलब ये मैं एकदम पतला कड़ी बना रही हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा जीरा पाउडर धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। और लाल मिर्च इसमें मैं नहीं डालूंगी आज। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसको मुझे हल्का सा फ्राई वगैरह करना है ताकि ये थोड़ा सा, मतलब अच्छे से मसाला ये आलू और बैंगन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अभी मैं इसको ढक के दो तीन मिनट के लिए छोड़ दूंगी तो मसाला और बैंगन वगैरह अच्छे से फ्राई हो जाएगा। दो तीन मिनट बाद ढक्कन हटा के इसको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर दूंगी। ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, मसाला भी मेरा काफ़ी फ्राई हो चुका है तो अभी इसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल दे रही हूँ। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला, नहीं तो बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद नमक डाल रही हूँ। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो फ़िश फ्राई करके रखी थी उसको डाल दूंगी और फिश के साथ इन सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद जितना भी मुझे ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल के ढक के दो तीन मिनट के लिए पकाऊंगी, 5 मिनट पकाऊंगी तो मेरा ये डिश बन जाएगा। बातें करते करते ही खाना बनाते हैं, मतलब मैं खाना बना रही हूँ और इसके साथ फालतू में पक पक कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। अच्छा लगता है ना ऐसे, वैसे मैं मुंबई में तो अकेले अकेले ही खाना बनाती हूँ तो यहाँ पे ऐसे कैसे क्या हो रहा, मतलब हो जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं नहीं बनाती हूँ, मतलब स्पेशल है इसलिए मैं बना रही हूँ स्पेशल डिश। लंच बनाने के बाद अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट दोपहर में मिल रही हूँ। अभी हम लोग लंच करेंगे इसलिए बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा बाहर जाना था इसलिए नहीं हो पाया। तो आज क्या क्या है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि खाने में आज क्या क्या है। तो यहाँ पे है एक फ़िश करी, मैंने इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है ऑलरेडी। तो ये है वो टेंगरा फिश जिसको बोलते हैं, उसका करी है। यहाँ पे है हिलशा फिश का ही और एक दूसरे तरीके से बना हुआ एक करी है प्याज के साथ। और ये है एक चटनी, ये डिश थोड़ा मीठा होता है। तो आज का लंच बहुत ही यमी है, हम लोग लंच वंच कर लेते हैं और उसके बाद में शाम में मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी। तो
तो अभी हम सब लंच करने के लिए बैठ चुके हैं और लंच कर लेंगे। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई फोकस जिंदगी।